नमस्कार, मैं अनामिका। चलिए जानते हैं बिहार की 25 खबरों के बारे में। बेटी के जन्म पर लगाए जाते हैं पौधे। बिहार के लखीसराय जिले के पिपरिया प्रखंड में बेटियों के जन्म पर लगाए जाते हैं पौधे। इस खास पहल की शुरुआत यहां के समाज सेवी सह प्रखंड प्रमुख रामविलास शर्मा ने की है। रामविलास ने अब तक कुल 5300 पौधों को लगाया है, जिसमें 90% पौधे बच्चों के हाथ से लगवाया गया है। भागलपुर लेन खंड में जुड़ने वाली है एक और लाइन। जल्दी ही भागलपुर रेल खंड में हासदी से पौड़ैया हाट तक की लाइन एवं स्टेशन का भी निर्माण हो चुका है। अब सिर्फ निरीक्षण होना बाकी है, जिसके बाद इस लाइन की ट्रेनें चलने लगेगी। केंद्र सरकार से बिहार सरकार ने मांगे रुपए। बिहार सरकार ने बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार से 27 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसे लेकर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। बिहार के पटना में भी कम दर्ज हुई वाहनों की बिक्री। पिछले 3 महीनों के दौरान वाहनों की बिक्री में काफी गिरावट आई है। इसके उलट सीमांचल में ऑटोमोबाइल सेक्टर 13% का उछाल आया है। पटना के बाद पूर्णिया में सबसे अधिक दो पहिया चौपहिया वाहनों की बिक्री हुई है। जुलाई में पूर्णिया में 7500 दो पहिया और चौपहिया वाहनों की बिक्री हुई है। नहीं काम कर रहा पटना नगर निगम का स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत अभियान। पटना के कई इलाकों जैसे एग्जीबिशन रोड, कदम कुआं, अगम कुआं, दरगाह, कंकड़बाग, भट्टाचार्य रोड एवं मीना बाजार पटना सिटी में भी मच्छरों, कूड़ा डंपिंग और जल जमाव की समस्या, आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स की नियुक्ति भी की गई है। फिर भी इसी तरह की कई समस्याओं से क्षेत्रीय लोगों में परेशानी अभी भी बनी हुई है। कूड़ा उठाने वाले कर्मियों को समय से वेतन नहीं मिलने की वजह से समय पर कूड़ा नहीं ले जाते हैं। हाई कोर्ट ने पूछा सवाल, पटना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए क्या किया। पटना हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ध्वनि एवं वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दायर अर्जी पर जवाब दिया है। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे एवं न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने डॉक्टर रेणु कुमारी की ओर से दायर लोकहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की गई, जिसमें उनके वकील ने कहा कि पुरानी गाड़ियों के निकलने वाले धुएं से प्रदूषण फैल रहे हैं, जो कि राजधानी में अभी भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। नगर की गाड़ियों के हॉर्न और हर जगह किसी न किसी त्योहार को लेकर सड़कों पर बिना मतलब के गानों का शोरगुल। भाजपा प्रवक्ता राजीव रंजन ने किया दावा। उन्होंने ये दावा किया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 39 लाख से अधिक लोग इलाज की सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। इसके अंतर्गत निशुल्क इलाज से लोगों की राशि 61 करोड़ रुपए बचे हैं। इस योजना के तहत 9 करोड़ 48 लोगों को ई कार्ड मिल चुके हैं। विराट ने कहा, अनुष्का है उनके लिए वरदान। विराट कोहली ने विव रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर के साथ BCCI के लिए बातचीत की। इस दरमियान जब बात उनकी पर्सनल लाइफ पर आई तो उन्होंने कहा, अनुष्का उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान है, वे उनका सही दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, लालू के नेतृत्व में होगा चुनाव। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, पार्टी के अध्यक्ष लालू यादव ही रहेंगे, विधानसभा का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होगा। मुझे बिहार की जनता और सभी विधायकों के ऊपर यकीन है। कैमूर पहाड़ी पर प्लास्टिक और पॉलीथीन के प्रयोग पर हुए मना। कैमूर पहाड़ी पर पिकनिक मनाने के लिए भारी संख्या में लोग सावन खत्म होने के बाद पहुंचते हैं। इस दौरान यहां लोगों द्वारा प्लास्टिक और पॉलीथीन का यूज बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, जिससे यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता पर असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए स्थानीय वन विभाग ने पहाड़ी पर प्लास्टिक और पॉलीथीन के प्रयोग पर पूरी तरह से मनाही कर दी। पटना में गंगा नदी के जल में हुई वृद्धि, लाल निशान से ऊपर। गंगा नदी राज्य के विभिन्न स्थानों पर बक्सर से भागलपुर तक बढ़ रही है। इसने पटना में खतरे के स्तर को पार कर लिया है। पटना में पटना बाढ़ सुरक्षा दीवार के अंदर स्थित मछुआरों में सबसे अधिक आबादी वाले हेलमेट में से एक बिंद टोली पूरी तरीके से पानी में नीचे डूब गया है। पटना मेट्रो का संचालन कर सकता है DMRC। राजधानी पटना में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को संचालन तथा रखरखाव का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC को मिल सकता है, जिस पर गंभीरता से मंथन हो रहा है, जिसके लिए अभी तक करार नहीं हुआ है। लेकिन तर्क यह है कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड PMRCL को अभी संचालन और अनुरक्षण का अनुभव नहीं है, सो आरंभ में इसे DMRC को दिया जाए। मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण का कार्य पहले ही DMRC को दिया जा चुका है।
प्रणीत को टूर्नामेंट में कांस्य पदक मिलने की उम्मीद। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में अपना इतिहास बना लिया है। आपको बता दें कि विश्व नंबर 19 के प्रणीत ने क्वार्टर फाइनल में विश्व नंबर 4 इंडोनेशिया के जोनाटल क्रिस्टली को 51 मिनट में 24-22-21-14 से मात दी है। इस जीत ने प्रणीत का टूर्नामेंट में कांस्य पदक पक्का कर दिया है। यह दिग्गज खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण के बाद पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं, जिन्होंने विश्व चैंपियन के अंतिम चार में जगह बनाई है। शौचालय योजना सहित जल नल योजना की राशि भी डकार गए अधिकारी। मुजफ्फरपुर के कटरा इलाके की कटाई पंचायत में पिछले वर्ष 13 योजनाएं ली गई, मगर इनमें से अधिकतर समय से पूरी नहीं हुई। स्थिति यह है कि कहीं टंकी लगाई गई तो वहां तक पानी नहीं पहुंचा, जहां पाइप से पानी की आपूर्ति की गई वहां टंकी नहीं लगाई गई। वहीं जमीन में 3 फीट अंदर की जगह बाहर ही बाहर पाइप को रख दिया गया। नतीजतन पाइप को ईंट पर रखकर किए जा रहे हैं जलापूर्ति। वन महोत्सव के दौरान लगाए गए 125 करोड़ पौधे। बिहार सरकार ने वन महोत्सव को लेकर 1 से 15 अगस्त तक राज्य में 1.5 करोड़ पौधे रोपण का लक्ष्य रखा था, जिसके तहत क्षेत्र में 22 दिनों में करीब 125 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, जिसके कारण सरकारी नर्सरियों में बड़े पौधे कम दिखने लगे हैं। राज्य के 28 जिलों में औसत से 17% कम दिए गए लोन। राज्य में मौजूद सभी बैंक कई कारणों से लोगों को कर्ज देने में काफी कोताही बरतते हैं, परंतु 5 जिलों में मौजूद सभी बैंकों की शाखाएं पिछले 3 सालों से लोन बांटने में फिसड्डी साबित हो रही है। इसमें जहानाबाद, अरवल, गोपालगंज, शिवहर और बांका जिला भी शामिल है, जिसने अपनी वार्षिक शाख योजना SP के अंतर्गत लोन बांटने के लिए दिए गए सालाना लक्ष्य में 11% भी उपलब्धि हासिल नहीं की है। अब GST योजना के लिए होगा सबका विश्वास। बिहार में 1800 लोगों के पास 112 करोड़ की GST राशि बकाया है, जिसके लिए सबका विश्वास नामक एक योजना 1 सितंबर से शुरू होने जा रही है, जिसके तहत बड़े बकायेदारों को कुल बकाया राशि में सीमित टैक्स राशि जमा करके वन टाइम सेटलमेंट करवाने का अवसर दिया जाएगा। पूर्व रेलवे के GM SS गहलोत ने किया निरीक्षण। निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान उन्होंने रेलवे परिसर के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही साथ वेंडिंग स्टॉल में बिना रेट के मेन्यू पर भी ध्यान किया। बीते दिनों उन्होंने उसे दुरुस्त करने को कहा था। निकासी सफाई सहित जलापूर्ति की समस्याओं से भी उन्होंने निजात दिलाने की बात कही और उसे भी अविलंब दुरुस्त करने को कहा। श्रम संसाधन विभाग और प्रादेशिक नियोजनालय की ओर से लगाए गए रोजगार मेला। मुजफ्फरपुर LS कॉलेज परिसर में 2 दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 20 कंपनियों ने स्टॉल लगाया। ये कंपनियां कुल 1200 रिक्तियों के साथ आई थी। मेले में रोजगार पाने के लिए युवाओं की सुबह से भीड़ दिखाई देनी शुरू हो गई थी। मनपसंद रोजगार को पाने के लिए युवाओं ने कंपनियों की तलाश कर आवेदन किया। BSNL कंपनी ने 50 रुपए से कम कीमत में दिया 180 दिनों का प्लान। BSNL कंपनी की ओर से प्रीपेड यूजर के लिए नए प्लान जारी किए गए हैं, जिसे कंपनी ने PV49 के नाम से जारी कर दिया है, जहां इसके प्रीपेड रिचार्ज पर 180 दिनों की वैधता है। इसके साथ ही डाटा और वॉइस कॉल का भी लाभ मिलेगा। इस प्लान में 1 GB डाटा 15 दिनों, 250 मिनट डेली लोकल और नेशनल वॉइस कॉल 9 दिनों के लिए दिए गए हैं। लॉन्च होने वाली है मारुति की छोटी और सबसे सस्ती कार। मारुति की सबसे सस्ती और छोटी कार लॉन्च होने वाली है, जो कि 30 सितंबर को हो सकती है। इस मारुति एस्प्रेसो में BS6 1 लीटर पेट्रोल इंजन दिए गए हैं, जो कि नई ऑल्टो K10 में भी दिए गए हैं, लेकिन इसकी कीमत ऑल्टो के मुकाबले अधिक होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत भारत में 3.5 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए तक की हो सकती है। बिहार के पटना सहित कई ट्रेनों को किया गया डाइवर्ट। पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा किए गए बदलावों में बिहार के विभिन्न स्थानों से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को 24 अगस्त से 6 सितंबर तक डाइवर्ट कर दिए जाएंगे, जिसमें बिहार के पटना से खुलने वाली ट्रेनों में पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस, पटना अहमदाबाद एक्सप्रेस शामिल हैं। प्रो कबड्डी 2019 में पटना पायरेट्स 11वें स्थान पर। प्रो कबड्डी 2019 में चल रहे मुकाबले में पटना पायरेट्स खेले गए 10 मैच की टीम में 3 मैच जीते और 7 मैच हारे। टीम ने अब तक इस मुकाबले में 18 पॉइंट हासिल किए हैं।
फिल्म जोया फैक्टर नॉवेल पर आधारित फिल्म। फिल्म जोया फैक्टर इसी नाम नॉवेल पर आधारित फिल्म है। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इस फिल्म में सोनम कपूर, संजय कपूर और साउथ एक्टर दकलीर सलमान हैं। सोनम पहली बार उनके साथ पर्दे पर नजर आएंगी। ये दोनों फिल्म में एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब जानते हैं मौसम का हाल। औरंगाबाद, भागलपुर, छपरा, फारबिसगंज, गया, मधुबनी, मोतिहारी, नालंदा, पटना, राजगीर और सुपौल में हल्की बारिश होगी। वहीं मुजफ्फरपुर में गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।